हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केवल तीन चीज़ों से बनने वाली मिल्क बार। ये बनाने में बहुत ही इजी है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो चलिए फिर इन मिल्क बार को बनाना शुरू करते हैं। तो मिल्क बार बनाने के लिए मैं सबसे पहले शुगर लूँगी। ये मैंने 3/4 कप शुगर ली है और इसमें मैं 3/4 कप ही पानी डालूंगी, यानी कि 3/4 कप शुगर और 3/4 कप पानी। अब मैं शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। और जब तक हमारी शुगर यानी कि चीनी पिघलती है, यहाँ मैंने ये एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप इससे घी से ही पहले ही ग्रीस कर लें, क्योंकि जब हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी तो हमें इसको सेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारी जो शुगर है ये भी अच्छे से पिघल चुकी है और इसमें उबाल भी आ गया है। और इस शुगर सिरप को हमें मीडियम फ्लेम पर बनाना है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये तैयार हुई है या नहीं, अगर हम थोड़ी सी शुगर सिरप ऐसे चेक करेंगे तो इससे एक तार बनना चाहिए। तो यहाँ हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इसमें 2 चम्मच घी डाला है। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा घी का यूज नहीं करना है, बस 2 चम्मच घी ही ऐड करना है। तो अब मैंने ये 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और ये फुल क्रीम दूध का मिल्क पाउडर है। तो अब इस मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके हम इस शुगर सिरप में ऐड करेंगे। एकदम से सारा बिल्कुल ना ऐड करें, मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। पहले मैंने थोड़ा सा डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब पहला पोर्शन अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऐड करूँगी और उसको फिर से मिक्स कर लूँगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। यहाँ मैंने 2 कप मिल्क पाउडर को 4 पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और हमें इसको जब तक कुक करना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। इसको अच्छे से कुक होने में यानी कि डो के फॉर्म में आने में करीब 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। और साथ ही में जो ये साइडों में लग रहा है इसको भी हटाते जाइएगा, क्योंकि ये साइड में लग लग के सूख जाएगा और फिर बाद में जब ये हमारे इस मिक्सचर में ऐड होगा तो मिक्सर का पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप साइडों में जो भी लग रहा है उसको हटाते जाइए। मैंने फ्लेवर के लिए किसी भी फ्लेवर का यूज नहीं किया है, यानी कि कोई इलायची पाउडर नहीं ऐड किया है, लेकिन आप कर सकते हो। और यहाँ मैंने जब ये मिक्सचर थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ने लगे तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। घी डालने से क्या होगा कि एक तो ये हमें चलाने में आसानी होगी और दूसरा हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस ऐड करेगा। तो बस अब मैं इसको घी डालने के बाद 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी और 2 मिनट बाद हमारा मिक्सचर अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 मिनट बाद अब मिक्सचर कढ़ाई की साइड छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा जो ये मिक्सचर है ये जमने के लिए अच्छे से तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए क्या करें कि आप इस मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप उसको चेक कीजिए, तो उससे एक ऐसे गोली बन जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और एक बार मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मिक्सचर से अच्छे से ऐसे बोल्स बन रही है, इसका मतलब मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको जो हमने ट्रे को पहले से ही ग्रीस करके रखा था उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सचर को अच्छे से सेट करने के लिए मैंने ये 1 चम्मच लिया और इस पर घी लगा लिया है, जिससे कि मिक्सचर को सेट करने में आसानी होगी। तो स्पून से हल्के से प्रेस करते हुए मिक्सचर को अच्छे से फैला लेंगे। आप इसे अपनी पसंद अनुसार पतला या मोटा कैसे भी रख सकते हो।
तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये पिस्ताचू डाल दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको डालें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें, या फिर आप जो चांदी की बर्फ होती है वो भी लगा सकते हो, और पिस्ताचू को भी स्पून से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। अब मैं इस मिठाई को अच्छे से ठंडा होने दूंगी, और इसको ठंडा होने में करीब 1 घंटे के आसपास लगेगा। तो 1 घंटे बाद हमारी जो ये मिठाई है अच्छे से सेट हो चुकी है, और क्योंकि मैंने इस पे बटर पेपर लगाया था तो इसको निकालना भी बहुत ही ईजी हो गया है। तो अब पहले मैं इसको हल्का सा ऐसे साइडों से कट कर लूँगी, जिससे कि इसकी बहुत ही अच्छी शेप्स आएगी, और चारों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करने के बाद आप इसको अपनी मनपसंद अनुसार, आपको जैसे भी ये अच्छी लगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, जिस भी शेप में आप चाहो इसको कट करके तैयार कर लो। मैंने इसको ऐसे बार शेप में कट किया है। तो अब हमारी स्वीट बनकर तैयार हो गई है, तो मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैंने स्वीट्स को, मिल्क बार को अच्छे से प्लेट में लगा लिया है, और आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी लग रही है, और इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसको बनाने में हमें बस 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।